सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज नेटवर्क्स, मैं हूं आपके साथ हिमानी भट्ट। दिल्ली में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों में हमारे एक सांसद महोदय समिति की बैठक में इसीलिए लेट हो गए क्योंकि जब वो घर से निकले तो बंदरों ने उन पर हमला कर दिया। वो बाल बाल बचे लेकिन उनके बेटे को बंदरों ने काट लिया। ये समस्या ना सिर्फ उपराष्ट्रपति निवास में है बल्कि पूरे लोटस जोन, दिल्ली शहर और देश के कई इलाकों में है। कड़ी सुरक्षा वाली इमारतों में भी ये बंदर घुसपैठ करते रहते हैं। कई कोशिशों के बाद भी ना तो बंदरों का आतंक कम हो रहा है और ना ही उन पर लगाम लगा पा रहे हैं। ताजा कोशिश देख लोकसभा सचिवालय की तरफ से आने वाले शीतकालीन सत्र में बंदरों के आतंक से निपटने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। ये निर्देश सांसदों, मंत्रियों और संसद आने वाले आम लोगों के लिए है। इस एडवाइजरी में बंदरों से बचने के लिए कुछ तरीके सुझाए गए हैं, जैसे बंदरों से आंख न मिलाएं, बंदरिया और उसके बच्चे के बीच से ना निकलें, बंदर को परेशान ना करें, आप उन्हें अकेला छोड़ दें, वो आपको अकेला छोड़ देंगे, बंदरों को देख कर ना भागें, मरे हुए या घायल बंदर के पास कभी भी ना जाएं, बंदरों को खाना स्पेशली ना दें। अगर बंदर आपकी गाड़ी या फिर स्पेशली दो पहियों से आकर टकरा जाता है तो गाड़ी ना रोकें। बंदर अगर आपको देखकर गुस्सा करे तो डरे नहीं, वहां से शांति से निकल जाएं। बंदर को कभी भी ना मारें बल्कि डंडे को जमीन पर पटकें जिससे वो आपके घर या बगीचे से बाहर निकल जाएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।